हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सेल, द सेल। सेल जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। अब सेल है क्या? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो सेल जो है कि लैटिन वर्ड सेलुला से बना है। तो सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम, यानी कि छोटे छोटे कमरे। स्मॉल सेलुला, लैटिन वर्ड सेलुला से बना, इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। अब एक्चुअल में सेल है क्या? देखो, अगर हम एक सेल की परिभाषा देखें तो सेल इनकी जो सेल है कोशिका साइटोप्लाज्म का मास होती है। साइटोप्लाज्म का मास होती है। अब साइटोप्लाज्म का भी थोड़ी बिट जानेंगे। सेल जो है वो साइटोप्लाज्म का मास होती है, जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इनकी लिमिटेड बाई ये सराउंडेड बाई ये सेल मेम्ब्रेन। स्मॉल एंड की माइक्रोस्कोपिक साइज की होती है, माइक्रोस्कोपिक साइज है इनकी छोटा, जिसको हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किसी भी सेल को हम अपनी जो नेकर आई है उनसे नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो जीवित हैं, उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। इट कंटेन मैनी सेल ऑर्गेनेल्स दैट जो एक कार्य को, यानी कि स्पेशल दैट परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, ठीक है, एक विशेष कार्य को ये संपादित करती है। उसके बाद इनमें एक या दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब यहां पर एक या दो न्यूक्लियस का मतलब है कि जरूरी नहीं कि सबके अंदर ही दो पाए जाएं, किसी में एक होता है, किसी में दो होते हैं। इसकी जो लाइफ होती है सेल की, उस सेल की लाइफ में, पूरी लाइफ में अगर देखा जाए, कभी एक कभी दो न्यूक्लियस पाए। सेल डिवीजन अगर करती है सेल, तो उसमें फिर दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। उस हिसाब से इसकी जो लाइफ है उसके अंदर एक या दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो, कुछ जीव यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बैक्टीरिया एंड ईस्ट, और अमीबा एंड पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय है। इनमें अपने सारे जो कोशिका के फंक्शन होते हैं वो सब एक ही सेल के अंदर पूरे हो जाते हैं। तो ये भी एक कोशिकीय है।
और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं भाई। जैसे हम जितने भी बड़े जीव हैं, जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स जो है वो मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स ये मल्टी सेलुलर है। तो इस तरह से ये सेल होती है, एक सेल के अंदर मास होता है साइटोप्लाज्म का, उसमें जो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, उसकी जीवन में एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं, उसमें कई सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अभी हम ऑर्गेनेल्स की बात आगे करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट इस तरह से। और कुछ जीव यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो मेन थिंग जो है वो ये है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक लिविंग यानी कि जो जीवित प्राणी है इस पृथ्वी पर, उस प्राणी की सबसे छोटी इकाई शरीर की अगर है तो वो होती है सेल। तो सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से हम किसी दीवार को या मकान को बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करते हैं, और वो एक ईंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जितने भी ईंट लगेंगे उन सब की संरचना भी उस एक ईंट के समान होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। वही समझिए आप कि जिस प्रकार से उन दीवार में लगी हुई सभी ईंटों की संरचना, उनका अंदर का मटेरियल सारा एक समान होता है, उसी प्रकार एक प्लांट में और एक ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल है उसके अंदर जितनी भी सेल्स होती है उन सभी सेल्स का अंदर का मटेरियल एक समान होता है। तो कुल मिलाकर के कहें कि सारी सेल्स जेनेटिकली एक समान होती हैं। एक चीज और है कि भाई सेल के अंदर ये जो तीन चीज अगर देखें हम, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड हेरिडिटी। देखिए सेल जो है वो यूनिट होती है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना के लिए, फंक्शन मतलब क्रियात्मक, और हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकी के लिए। तो देखो सभी जीवों का शरीर सेल से बना है, ये संरचना हो गई। सभी सेल के अंदर वो पूरी क्रियाएं पाई जाती हैं जो एक सेल के अंदर पाई जाती है, मतलब जैसे कि आप देखो डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण और अदर मॉलिक्यूल्स का निर्माण, वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम्स का संश्लेषण, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है वो सारी रिएक्शन चल सकती है। तो फंक्शन हो गई, हेरिडिटी होती है आनुवांशिक, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम होते हैं, और यही क्रोमोसोम आनुवांशिकी का आधार होते हैं। हम सब जानते हैं कि क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स डीएनए से बने होते हैं, और यही जीन हमें अगली पीढ़ी के जो लक्षण है उनको ले जाने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं जब युग्मज बनता है तो एक क्रोमोसोम पैटर्नल होता है, एक क्रोमोसोम मैटर्नल होता है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो क्रोमोसोम का मतलब है क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स आते हैं, तो वो लक्षण आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि वो हेरिडिटी का स्रोत, यानी हेरिडिटी की तरह आनुवांशिक इकाई की तरह कार्य करती है। तो सेल वास्तव में अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, और हेरिडिटी की भी यूनिट होती है। अब इसमें आगे चले हम तो स्मॉलेस्ट जो सेल है ये कई बार पूछा जाता है, यानी ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया ही है अगर देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा, इसका नाम है पिलूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पिलूरो न्यूमोनिया लाइक, इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा पिलूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और बिगेस्ट या लार्जेस्ट सेल जो है वो आप सब जानते हैं, सुना होगा ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ी सेल होती है। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जिसे सेल की संख्या नहीं दी गई है, ना तो वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है। अगर सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग है, और सेल के अंदर है तो वो लिविंग है। तो उसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, दैट इज वायरस।
तो वायरस को हम सेल भी नहीं मानते क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म या फिर हम कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इस तरह की कोई संरचना नहीं होती है। इसमें सिंपल प्रोटीन है जो उसका डीएनए या आरएनए जो भी आनुवंशिक पदार्थ है वो होता है। तो इसको हम सेल की संज्ञा नहीं देते, तो ये सेल नहीं है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ये है, लार्जेस्ट सेल ये है। अब अगर हम बात करें कि साइटोप्लाज्म, एक मिनट रुकिए, साइटोप्लाज्म देखते हैं पहले कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म एक जिलेटिनस यानी कि जेली समान, जिलेटिनस फ्लूइड, फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है जिसके अंदर देखो बहुत सारे सॉल्ट, मिनरल्स, आयंस ये सब मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब इसी के अंदर होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं एंडोसोम्स, वो सब इसी के अंदर पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन ध्यान रहे, साइटोप्लाज्म में हम कभी भी न्यूक्लियस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे। अगर हम देखें ना तो एक सेल के अंदर एक जो सेल होती है उस सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक तो होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एक अलग कंपार्टमेंट है और न्यूक्लियस एक अलग कंपार्टमेंट है। न्यूक्लियस को हम कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इसमें केवल सेल ऑर्गेनेल्स ही होते हैं। और साइटोप्लाज्म जो वर्ड है ये सबसे पहले कोली करने दिया था, अभी कोली कर कब दिया था, 1863 में कोली करने दिया। ठीक है, तो सेल जो है वो दो कंपार्टमेंट में है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को देखते हैं आप कि जिलेटिनस यानी कि जेली लाइक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, इसमें सॉल्ट, मिनरल, आयंस, प्रोटीन्स, एंजाइम वो सब मौजूद होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि जो लिक्विड फ्लूइड प्लस सेल ऑर्गेनेल्स को मिलाकर बनता है साइटोप्लाज्म। अब आगे अगर बात आए तो नेक्स्ट जो वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, देखो प्रोटोप्लाज्म को हम सिंपल सा कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर के हम एक वर्ड देते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म की जो खोज है वो सबसे पहले डुजार्डिन ने की थी। प्रोटोप्लाज्म की जो डिस्कवरी या इन्वेंशन जो है वो डुजार्डिन ने की थी, डुजार्डिन ने, और इसको नाम दिया था सारकोड। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है पुरकिंजे, तो पुरकिन जी ने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था भाई, प्रोटोप्लाज्म। तो यह दोनों नाम है, डुजार्डिन ने सारकोड दिया था, पुरकिन जी ने प्रोटोप्लाज्म दिया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि साइटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है।
साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब चीजें हैं और प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर दिया जाता है अगर साइटोप्लाज्म के साथ, तो हम कहते हैं न्यूक्लियोवान प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हम न्यूक्लियस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, केवल साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीजें हैं, यूनिट्रियस ब्लड जो है अंदर के जो अंदर भरा हुआ है जो उसको सेल को भरे रखता है। जब भी सेल श्रंक होती है यानी कि सिकुड़ती है तो उसका जो ब्लड होता है उसमें जल सूख जाता है, और जब भी सेल फूलती है या हम कहे भाई वो टर्गर होती है, टर्गिर होती है, स्पीड होती है, तो उस समय उसका जो यूनिट्रियस ब्लड होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा कि सूखी लकड़ी फूल जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे दरवाजे जो है वो बारिश के मौसम में फूल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात है इनके अंदर जो यूनिट्रियस ब्लड है इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जल को एब्जॉर्ब करते हैं, जब जल को एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्ब करने के बाद इनका आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने से सेल का जो 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 मैक्सिमम आकार होता है वो हो जाता है ना, स्पीड फूल जाती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीजें हैं, अगर हम साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर देते तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जनरल साइंस के लिए भी, प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है या सबसे पहले इसकी जो खोज है वो डुजारिन ने की थी, इसको हम सार्कोड नाम दिया था। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए पुरकिंजे, इन्होंने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अब एक वर्ड और रह जाता है जिसकी हम बात करते हैं, तो वो है भाई हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइलोप्लाज्म क्या है। मान साइटोप्लाज्म देख लिया हमने, प्रोटोप्लाज्म देख लिया, अब बचा हाइलोप्लाज्म। देखो विदाउट न्यूक्लियस सेल का मटेरियल कहलाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस। अब हम कहें कि साइटोप्लाज्म से यानी कि विदाउट सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्या, हाइलोप्लाज्म। ठीक है, बिना किसी सेल ऑर्गेनेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर हमने देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, राइबोसोम, लाइसोसोम ये होते हैं, ये तो होता ही नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अगर हम साइटोप्लाज्म में से भी इनको निकाल दें, इनको जो सेल ऑर्गेनेल से इनको निकाल दें, तो बचा हुआ जो फिलर होता है ना उसे हम कहते हैं हाइलोप्लाज्म। तो आप समझ में आया होगा कि साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है और हाइलोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म एक फिलर है जिसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर लिया जाए, मिला दिया जाए, तो बनता है प्रोटोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म। अगर इस साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दिया जाए तो बचने वाला जो साइटोप्लाज्म है या जो द्रव है, साइटोप्लाज्म तो नहीं है, यहाँ पर फिलर रह जाएगा खाली लिक्विड, तो जो बनने वाला जो लिक्विड है उसको हम कहते हैं हाइलोप्लाज्म। अब हम थोड़ी सी सेल की हिस्ट्री देख लेते हैं, इसके शॉर्ट ले सकते हैं। सेल की हिस्ट्री देखते हैं, ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल सिंपल सी दो तीन चीजें जो ज्यादातर इन्वेंट हुई है जो इसके माइलस्टोन से वो ही देखते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो हम कहें भाई कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो किसने बनाया था, ये जेनसन ने बनाया था। तो सबसे पहले बनने वाला जो माइक्रोस्कोप है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो अक्सर लैब के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ज्यादा नहीं करेंगे, केवल इंपोर्टेंट देखेंगे, रॉबर्ट हुक
रॉबर्ट हुक आए तो इन्होंने भाई जो कॉर्क थी, कॉर्क मतलब कैम्बियम, सॉरी छाल, कॉर्क मतलब छाल, तो छाल के स्लाइस काटी या जो सेक्शन था उसको काटा और उसमें जो हनी कॉम होता है ना जैसे मधुमक्खी का छत्ता, उसके समान उन्होंने जो होल्स हैं उसके अंदर देखे। अब चूंकि ये जो कॉर्क होती है ना ये डेड सेल से बनी होती है, ये याद रखना, कॉर्क में डेड सेल्स होती है, कॉर्क मतलब छाल जो है वो पेड़ के बाहर की जो परत होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हार्ड होती है थोड़ी सी, तो उसे हम छाल कहते हैं और वो डेड सेल से बनी होती है, उसकी कोशिकाएं मृत होती है। अब सबसे पहले जो जीवित सेल देखी थी वो किसने देखी हुई, तो ये अगर हम देखें तो ये काम भाई इन्होंने 1665 में किया था। उसके बाद आते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ए वी लीवेनहॉक 1674 में, तो इन्होंने भी शीशे घिस घिस कर माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद इन्होंने सबसे पहले एल्गी के अंदर लिविंग सेल को देखा, सबसे पहले लिविंग सेल्स एल्गी के अंदर सबसे पहले इन्होंने, तो ध्यान रखना भाई कि सबसे पहले मृत सेल को देखने वाले हैं रॉबर्ट हुक और सबसे पहले जीवित सेल को देखने वाले हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक, सबसे पहले देखा था। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आ गए, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोई भी इन्वेंट करके न्यूक्लियस की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो पर्सनल है जो इसकी खोज से जुड़े हुए हैं वो है। यहाँ ध्यान रखना कि रॉबर्ट हुक ने छाल के अंदर देखा सबसे पहले था लेकिन वो रेड सेल्स थी, एवं एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने उनके 9 साल बाद देखा था लेकिन उन्होंने जीवित सेल को देखा था एल्गी के अंदर। अब है एक सेल थ्योरी, हर चीज के पीछे होती है कि कोई ना कोई थ्योरी जरूर होती है, तो यहाँ भी एक सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी क्या कहती है, देखो पहले स्लाइडर एंड स्वान, एक थियोडोर स्वान जो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट तो ऐसा माना था भाई ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिनका नाम था थियोडोर स्वान, आपको केवल स्वान ही याद रखने की जरूरत है, थियोडोर से कोई मतलब नहीं है। दूसरे थे भी बॉटनिस्ट स्लाइडर जिसका नाम था मैथियास स्लाइडर, मैथियास स्लाइडर, ठीक है। इन दोनों ने 1839 में एक सेल थ्योरी लिखी है, तो इन्होंने केवल शुरुआत में दो ही पोस्टुलेट दिए थे, दो अभिग्रह, तीसरा तो जो वर्चो था उसने दिया था, तो इन्होंने बताया था सेल थ्योरी के अंदर कि जो सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, नंबर एक क्या कहती है सेल थ्योरी, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन,
और किसके अंदर है तो ये हम लिख सकते हैं इन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जीवित प्राणी है उनके अंदर सेल एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है, इसके लिए स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए। दूसरा है कि सभी जीवों का शरीर यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ बाय मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, है ना। तो देखो इसमें अगर हम वन सेल की बात करते हैं तो बताया था भाई ईस्ट है, ठीक है, और बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, और मोर सेल्स की बात अगर हम करते हैं तो उसके लिए प्लांट्स है, हम है और अदर एनिमल्स है। अब दो ये दिए थे भाई इन्होंने, स्लाइडर एंड स्वामी। उसके बाद वर्चो आते हैं, रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने बताया था कि नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है, और कैसे होता है, सेल डिवीजन से होता है, ये इन्होंने बताया था। तो उसमें फिर जो सेल थ्योरी थी, आजकल इसको मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो मॉडर्न सेल थ्योरी बना दी गई कि तीसरा पॉइंट पर जोड़ दिया गया, इसमें देखा गया कि न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, बाई सेल डिवीजन, मैं और जोड़ता हूं यहां पर बाई सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिका बनती है पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से, ठीक है। ये किसने बताया था, ये भाई ध्यान रखना, वर्चो ने बताया था, रुडोल्फ वर्चो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं ओमनी सेलुला, एक वर्ड में लिखे हम ओमनी सेलुला ई सेलुली, ये दिया था उन्होंने। तो इसका अर्थ होता है कि न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये वर्चो ने बताया। अब इस समय अगर हम देखें तो देखो प्रत्येक जीव के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, और वो सेल्स ये तो नहीं कि भाई एक ही तरह की सेल है, दुनिया भर की सेल्स हैं और दुनिया भर के तरह की सेल्स हैं, सबके काम अलग अलग हैं, इसका मतलब है कि इनमें डिफरेंशिएशन होता है। तो देखो अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सेल्स बनती हैं, सेल डिवीजन से सेल बन रही है, ये सेल्स फिर डिफरेंशिएट होती है, विभेदन होता है, डिफरेंशिएट होती है, इसके अंदर ये होती है भाई टिश्यू में, यानी कि ऊतक बनते हैं, ऊतक के बाद फिर ये ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन के बाद फिर ये सिस्टम बनता है, और सिस्टम के बाद बनती है फुल बॉडी। अब ये बात है कि डिफरेंशिएशन फिर क्या है, देखो बहुत सारी सेल्स बनती हैं और उन सेल को फिर बाद में जब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि उन्हें विभेदित किया जाता है कि आपका ये कार्य आप ये कीजिए, आपका ये कार्य आप ये कीजिए, कि विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए सेल्स अलग अलग विभेदित होती हैं, और अलग अलग विभेदित होने के बाद वहां पर अब एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती है, यानी कि कोशिकाओं के समूह बनाती है, जो सभी कोशिकाएं फिर अब एक ही तरह के कार्य करती है, उनको हम कहते हैं टिश्यू, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो सभी एक ही कार्य को संपन्न करें उसे हम कहते हैं टिश्यू। तो ये था आज सेल और सेल थ्योरी के बारे में, अब आगे हम धीरे धीरे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते रहेंगे, तब तक आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके, जनरल साइंस है तो इसको तो कोई भी पढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच।